अब बात आती है कि मेरे अंदर ये क्या हुआ, ये कैसे फटा, ये जो बारूद फटाया, ये जो मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये पागल हुआ पड़ा हूँ स्टेज पे, रो रहा हूँ, ये फ्री के सेमिनार्स कर रहा हूँ, अपना सब कुछ लगाया हुआ है इसके अंदर, क्यों? ऐसा क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। मैं अपने दोस्तों के साथ में था 21-22 साल की एज में, और वो ना उल्टी सीधी बातें कर रहे थे इंडिया के बारे में। सब 4-5 दोस्त थे, हम खड़े हुए थे, और एक आकर के बोला, कहता यार ये इंडिया का ना कुछ नहीं हो सकता, बुरी हालत है, बेकार कंट्री है। कहता भाई मेरे को तो अगर मौका मिला ना मैं फॉरेन निकल जाऊंगा। मैं कहा बढ़िया यार निकल जा, फिर सोच क्या रहा तू? कहता मौका ही तो नहीं मिल रहा। मैं कहा मतलब रहना भी है यहाँ पे, और यहाँ की उल्टी सीधी बातें भी करनी है, गालियां भी निकालनी है। तो दूसरा बंदा भी आ गया, वो उसके साथ में मिल गया, मतलब वो चारों दोस्त एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अब वो बाकी के भी 3 बंदे जुड़ गए साथ में आकर के, और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में कि देखो यहाँ पे तो करप्शन की ये हालत है, ये है वो है, इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता, बुरी हालत है, कोई कुछ नहीं करता, देखो क्या हालत हुई पड़ी है यहाँ पे, कोई सेफ नहीं है, रोड की बुरी हालत है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये वो अटरम शटरम सारी बातें होती गई। मैंने भर गया अंदर से कि उसी टाइम पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ से, एक अजीब सी कहानी मेरे दिमाग में आ गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं ना तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में अगर वो कहानी अच्छी लगे तो तालियां बजाना बैठ करके। तो कहते हैं हाँ यार सुनाना, कौन सी कहानी है? मैंने कहा एक बच्चा है जो ना एक नदी में डूब रहा है, 4-5 साल का बच्चा, छोटा सा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, हल्ला मचाया हुआ उसने चारों तरफ, और वहां पे किनारे पे ना 5-6 लोग खड़े हुए हैं, और वो खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कितना बेवकूफ बच्चा है यार, जब इसको तैरना नहीं आता तो यह नदी में गया क्यों? तो उसमें से दूसरा आदमी आया आकर के बोला, कहता अरे इस बच्चे का छोड़, इसके पेरेंट्स के बारे में सोच के कितने घटिया हैं, बच्चे को उठा करके छोड़ दिया यहाँ पे। तीसरा आया आकर के बोला, कहता यार कोई कुछ करता क्यों नहीं है। चौथा आया आकर के कहता कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम करो पुलिस को बुला लो, एम्बुलेंस को बुला लो, कुछ नहीं हो सकता इस बच्चे का, अब तो ये गया। इतनी देर में ऊपर ब्रिज से ना एक आदमी निकल रहा था, उसने देखा उस बच्चे को डूबते हुए और उसने उसकी चीखें सुनी, उसने सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया, कुछ किसी से नहीं बोला, ब्रिज से ही ऊपर से छलांग लगा दी, उसको पता था टाइम नहीं है, वो कूदा जा करके तैरते हुए उस बच्चे को बचा करके ले आया, साइड में लेकर के आया, उसने देखा कि वो बच्चा ठीक ठाक है, वहां से उस बच्चे को हैंड ओवर किया बाकी सब लोगों को और वहां से निकल गया। तो जो 5 लोग वहां पे खड़े थे, उन्होंने क्या किया वहां पे खड़े होकर के? ताली बजाई। तो मैंने कहा ताली बजाओ ना अपने उन दोस्तों को, मैंने बोला तुम ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं खड़े होकर नहीं देखने वाला, अगर इंडिया डूब रहा है ना तो मैं बचाऊंगा इंडिया को, मैं आऊंगा सामने, कोई आए ना आए। Sunshine.